अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मलन हातून एक बार फिर माँ बनने वाली हैं और इस बात का अंदाजा हमें उसी एपिसोड में हो गया था जब वो इसमें हान की कैद में थी। उसी दिन से मुझे इस सीन के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से इंतजार था, लेकिन जितनी मुझे इस सीन के लिए एक्साइटमेंट थी उतना इस सीन में कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस सीन में मलन हातून थोड़ा ओवर एक्ट कर रही हैं। इतनी ज्यादा ओवर खुश होने की कोशिश कर रही हैं जिससे उनकी एक्टिंग इस सीन को बहुत वियर्ड कर रही है। अगर वो इस सीन में थोड़ा इमोशनल और शाय होती तो ये सीन बहुत ही कमाल होता, क्योंकि इससे पहले जब भी हलीमा सुल्तान या बाला हातून ने इस सीन के मुताबिक कोई एक्टिंग की है तो वो बहुत इंटेंसिव और इमोशनल होती है। कि मलन की इमोशनलेस एक्टिंग इस सीन को बहुत फेक वाइब दे रही है। अब आप लोग मुझे जज करेंगे कि मुझे मलन नहीं पसंद क्योंकि मुझे बाला पसंद है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि मुझे मलन के कैरेक्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे उनका और उस्मान बे का कपल भी पसंद है और उन दोनों पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। ऐसा कि ओजगी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हिस्टोरिकल प्ले के दौरान बहुत ज्यादा विजिलेंट होती हैं कि कहीं भी कोई कोताही ना हो ताकि ऑडियंस तक गलत मैसेज ना पहुंचे। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने कैरेक्टर को निभाती है। तो मेरे ख्याल से यिल्डिज को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि मलन एक इस्लामिक कैरेक्टर है और लोगों में उनके लिए उन्हें प्यार पैदा कर दिया उनको इस तरह की एक्टिंग करके अपने आप से चीर करवानी चाहिए। मुझे अपनी इस बारे में राय देना मत भूलिए। हाफिज़।